नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज डॉट कॉम। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 निकल गई है। लास्ट डेट 8/2021 है। टोटल पद जबरदस्त है, 25,271 पोस्ट है। आपके क्वेश्चन हमारे आंसर होंगे और सिलेबस भी आपको मिलने वाला है। लॉगिन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन मैं देने वाला हूं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा प्रयागराज डॉट कॉम वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहां पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे रजिस्ट्रेशन 17/7/2021 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट 31/8/2021 है। उसके बाद पेमेंट करना है आपको जो 2/9/2021 है। एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन डेट अभी शून्य है। अगर नहीं पता चलता, नहीं क्लियर होता, तो आप मेरे इस ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी जानकारी। आपको ट्वीट करना है, मुझसे पूछते रहना है, समय समय पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। दूसरा, फॉलो करने से ये भी है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और मेरा यूट्यूब चैनल, ये अगर आपने फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको वीडियो शॉर्ट नोटिस इंस्टाग्राम पर और ट्वीट रीट्वीट के माध्यम से आपको ट्विटर पर सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए इसकी फीस। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपए, SC ST को 0 रुपए और ऑल कैटेगरी फीमेल को 0 रुपए। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से आप पैसा जमा कर सकते हैं। एज की बात करता हूँ तो 1/8/2021 से आपकी एज की गणना होगी। 18 मिनिमम और मैक्सिमम 23 साल एज है। एज में जरूर छूट मिलेगी, उसके लिए नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। एज की अगर मैं यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की बात करूँ, 25,271 पोस्ट है। पुरुष के लिए 22,424 पोस्ट है, महिला के लिए 2,847 पद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो वैकेंसी है यहाँ पर SSC से कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है। जनरल ड्यूटी होगी, जीडी होगी। अब यहाँ पर अगर फोर्स की बात करते हैं, तो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA, SSF, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट के साथ में दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो BSF के लिए 7,545 है, CISF के लिए 8,464 पोस्ट है, CRPF के लिए 0 है, SSB के लिए 3,806 है। तो इसी तरह सारे पोस्ट आप पढ़ सकते हैं। साथ में एलिजिबिलिटी की बात करता हूं सभी पोस्टों के लिए, तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 हाई स्कूल की परीक्षा पास आउट होना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी फिजिकल योग्यता की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल फीमेल कैटेगरी, यानी आपकी हाइट, ऊंचाई, आपकी चेस्ट यानी छाती और आपकी रनिंग यानी दौड़ना, महिला और फीमेल कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखेंगे तो मेल के लिए जनरल ओबीसी एससी एसटी एंड जनरल ओबीसी एसटी के लिए कैटेगरी बताई गई है। तो जनरल ओबीसी एससी के लिए क्या है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। इसी तरह छाती की अगर मैं बात करता हूं, तो मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी छाती हो और एसटी के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दौड़ना क्या है, 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 24 मिनट के अंदर। उसी तरह एसटी के लिए भी वही है, 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी एसटी के लिए अगर आप देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स के अंदर दौड़ना है, और एसटी के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स के अंदर आपको दौड़ना है। तो ये फिजिकल हो गया। अब आप देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट लिंक। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस और आपका ये वेबसाइट मिल जाएगा। तो वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करें और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से पहुंच सकते हैं, और सबसे सबसे टॉप पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर PDF के बगल में आपको क्लिक कर देना है, तो इसकी ये ऑफिशियल PDF डाउनलोड होके आ जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जितनी चीजें मैंने आपको बताई, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कि जैसे अगर आप देखेंगे तो सैलरी कितना है, पे लेवल अगर आप देखेंगे, इससे 700 से लेकर 69,100 रुपीज आपको सैलरी मिलने वाली है। उसी तरह जो मैंने आपको बताया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर देखिए BSF के लिए, ICF के लिए, CRPF के लिए, ITBT के लिए, टोटल पोस्ट अगर आप देखेंगे तो फीमेल और मेल कैंडिडेट को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेशनैलिटी आप देख सकते हैं, एज देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया 18 से 23 है, 1/8/2021 से आपका काउंट होगा। एज में रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर SC ST की 5 साल मिलेगा, OBC को 3 साल, एक्स सर्विस मैन को 3 साल। इसी तरह आप ये जो चाइल्ड वगैरह आप देख सकते हैं, 8 साल 5 साल आपको छूट देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद आप इसको और स्क्रॉल कर ले तो ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप बहुत आराम से पढ़ ले, समझ ले। कुछ नहीं समझ में आता तो मेरा ये ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल और वीडियो के नीचे सभी आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन करें और वहां से कोई भी क्वेरी करेंगे मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत लॉन्ग है। कुल टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 57 पेजेस के हैं, तो ये आप आराम से अपने से पढ़ लें। नहीं समझ में आता तो क्वेरी करें। अब इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड को डालना है। तो लॉगिन तो आपने किया नहीं अभी, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नाउ के ऑप्शन आएगा आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बेसिक डिटेल और एप्लीकेशन लेट, कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा, फोटो एंड सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर यस, अगर आपका आधार कार्ड है तो यस करिए और नहीं है तो नो करिए। आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर आपको डालने को मिल जाएगा। वेरिफिकेशन आधार नंबर हो जाएगा, टाइप ऑफ आईडी मतलब आप कौन सी आईडी डाल रहे हैं वो सारी चीजें, क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर यस कर देंगे, आधार कार्ड डाल देंगे, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आईडी नंबर वगैरह आपको डालना है, वेरीफाई नेम, ये सारा सब कुछ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, बार बार वही डालने को मिल रहा है। तो कुल मिला के ये जो इसके टर्म्स कंडीशन है इसको फिलफिल करना है, सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे आप सब कुछ सही से भरेंगे तो दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। इसकी डिटेल आप भरेंगे, देन आप सिग्नेचर वगैरह डाल के पेमेंट करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी नोटिस आपको यहीं से मिल जाएगी, अप्लाई करने का भी ऑप्शन, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, आंसर की आपको, एंड लास्ट में रिजल्ट भी यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए इनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप फुर्सत से सारी चीज कर ले। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करें भर भर के, अगर समझ में आता है तो इसकी भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो यहाँ से अब आपको देखिए मैंने वेबसाइट के माध्यम से आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना। तो अब आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो वही सारी चीजें मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिंक दे रखा है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम ग्रुप, आप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। सिलेबस कैसे मिलेगा वो जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा, बस सकते हैं आपको मुझे फॉलो करके क्वेरी करना है बस। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।